ठीक है जी, धन्यवाद सर। बताता दिल से बताता, आज तक रिकॉर्ड एक मिनट होल्ड होल्ड शुभ काम हो संजय भैया पास दे कैमरे के साथ में कम लोग हो जाएंगे सब। अच्छा यहाँ से ले लेते हैं ना। विमल जी, मनीष जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नई फिल्म के लिए। दशहरा के बाद जोर शोर से एक नई फिल्म की शुरुआत। आप लोगों को भी हमारे और मनी तरफ से नमस्ते प्रणाम, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके तीनों चैनल जो हैं इसके जितने और भी सारे जितने चैनल, जितने सब्सक्राइबर, जितने लोग देखने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं, उन लोगों को मेरा प्रणाम। हम दोनों के तरफ से प्रणाम। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। भोजपुरी में पहली बार अभी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया पेयर जो दिखाई दे रहा है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना पेयर बनाया, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा पेयर देखने को मिल रहा है जिसमें मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी समय से ये उम्मीद थी कि इस तरह का पेयर दिखे। और किसी को बुरा नहीं कहना है, लेकिन सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपने साथ, लेकिन हमें लगता है कि विमल जी और मणि भट्टाचार्य की जोड़ी इस फिल्म पे, आपका लगन पत्रिका, फिल्म का नाम है लगन पत्रिका, जो आप लोग उत्तर प्रदेश के इस समय पड़रौना में आए हुए हैं जी। और इस फिल्म को इसमें आप लोग काम कर रहे हैं एज ए लीड, आप मेन हीरो हैं, आप मणि भट्टाचार्य जी मेन हीरोइन हैं इसमें, और मुझे लगता है ये पेयर आप लोगों का बहुत जमेगा। क्या कहना है इस विषय में आप लोग? पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि आपने हम लोग के बारे में इतना अच्छा बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया कि इतना दुआ, इतना हाँ सही बात है। मेरा भी सौभाग्य है कि मणि जी के साथ में काम कर रहा हूँ। मनु जी काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं और मेरे पास सुबह से कई लोगों के फ़ोन आए हैं, बहुत सारे मैसेजेज आए हैं कि बधाई मिली है कि पहली बार आप कोई ऐसी एक्ट्रेस साथ फिल्म कर रहे हैं जिसमें आप लोग का पेयर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे दर्शक, हमारे श्रोता और ईश्वर की कृपा है। विमल जी, ये लग्न पत्रिका जी बहुत प्यारा टाइटल है और हमें लगता है भोजपुरी में फर्स्ट टाइम छोटा टाइटल का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे लंबे लंबे आते हैं, नाम आते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्या है लग्न पत्रिका? एक्चुअली मैं बता दूं, देखिए ये डिपेंड करता है डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पे। डायरेक्टर आपके जितने क्रिएटिव होंगे उतने अच्छे टाइटल्स होंगे, उतने अच्छे। तो आनंद जी ने मुझे बताया कि विमल जी एक फिल्म हम कर रहे हैं और उस फिल्म का टाइटल लग्न पत्रिका है। तो मैंने, तो आप जानते हैं कि मैं मार्केटिंग फील्ड से हूं और डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुका हूं, तो हम लोग जो फिल्में खरीदते थे तो पहला मस्ट होता था भाई फिल्म का टाइटल क्या है। तो टाइटल मस्ट, टाइटल यदि पसंद आया तो देन हम आगे फिल्म करें। तो टाइटल बहुत अच्छा है और लग्न पत्रिका है। जो हमारे वहाँ शादियाँ होती हैं तो लग्न मिलाया जाता है, कुंडली मिलाया जाता है। तो कुछ कंडीशन ऐसा ही है कि हम लोग की शादियाँ जो इस सिनेमा में हुई है उसमें कुंडली आपस में मिली नहीं है। तो ये सार है और टाइटल इन्होंने वहीं से लिया है। मुझे लग रहा है कि हमारे जितने श्रोता हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने लोग देखने वाले हैं, उनको टाइटल बहुत प्यारा लगेगा और इससे अच्छी हमारी कहानी है। और मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ मनी जी के साथ काम करने के लिए। और आनंद जी जब मुझे बताया कि इस फिल्म में आप जो अपोजिट हीरोइन, मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला कि यदि मनी जी का डेट रहेगा तो हम मनी के साथ ही काम करेंगे, भले हमें एक महीना बात करना पड़े, क्योंकि इसमें जो हम करेक्टर डिसाइड किए हैं वो मनी जी के ऊपर बड़ी परफेक्ट बैठता है और आपके साथ उनका कम्बिनेशन मुझे ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आनंद जी को कि एक मैसेज से हमारी बात हुई, मैसेंजर से, हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से कॉल पे, और उन्होंने मुझे आज कास्ट किया और मैं काम कर रहा हूँ। लगन पत्रिका मिल गई और मनी जी को भी थैंक यू कि शायद इनसे भी पूछे होंगे आनंद जी कि भाई आपके अपोजिट विमल जी हैं, तो जब मुझे इनका नाम है मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट आपकी फिल्म की हीरोइन है और हमें लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, सुपर हिट जाएगी, क्योंकि एज ए एक्टर हमें लगता है बहुत ही अच्छे परफॉर्मर आप भी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मर अपनी मनी जी हैं। मनी जी ने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया है। मुझे लगता है भोजपुरी
फिल्मों का ग्राफ बढ़ाने में मनी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आप इतना कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं मुझे। मनी जी के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि एक आप अदर स्टेट की रहने वाली हैं, बंगाल से बिलोंग करती हैं, और बंगाली होने के बाद आपने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को, यदि आपने आज तक शायद 30 से ऊपर हो गया ना, 30 फिल्में, तीन साल में 28 फिल्में की आपने, तो एक इंडस्ट्री को एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छा पहचान दिया। और मुझे लग रहा है कि ऐसी अभिनेत्रियाँ यदि इंडस्ट्री में आ रही हैं और अपने भोजपुरी को बढ़ा रही हैं, तो इसके लिए धन्यवाद मनी जी को देना चाहिए हम लोगों को, चूँकि हम लोग भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं। तो थैंक यू सो मच मनी जी कि आप हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना काम कर रही हैं। हम दोनों किसी और से भी मिलाना चाहते हैं। जय राम। इस मूवी के नमस्कार डायरेक्टर आनंद जी, आनंद जी कुछ बोलेंगे आप सबको इस मूवी को लेके? नहीं, हाँ जी, आप पूछिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा। आनंद जी इस फिल्म के लग्न पत्रिका के निर्देशक हैं। आनंद जी बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत स्मार्ट भी हैं थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि निर्देशन की जो परख है आपके अंदर वो बहुत ही बारीक, बहुत ही कुशल, ऐसे ही निर्देशकों की ज़रूरत है। हमें लगता है भोजपुरी फिल्म के उत्थान में अच्छे निर्देशकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसमें से एक नाम आनंद जी का है। और आनंद जी, मैं इस फिल्म के विषय में आपसे कुछ जानना चाहूँगा, क्या देखिए फिल्म है? हम फिल्म का टाइटल तो बता दिया होगा इन लोगों ने, लगन पत्रिका। फुल फैमिली ड्रामा का आज चलन है, और हमेशा से भोजपुरी सिनेमा, पहले की जो देख लीजिए, गंगा मैया पियरी चढ़ेबे, चाहे जो भी फिल्में मोहन जी प्रसाद जी बनाए, पहले की फिल्में दंगल बनी थी, सब हमारा भोजपुरी परिवेश से और फैमिली ड्रामा ही फिल्में थे लगभग। अच्छा, फैमिली ड्रामा हमारे यहाँ से भी पसंद किए जाते हैं, कभी भी, चाहे टीवी की इंडस्ट्री में हो, चाहे फिल्म की इंडस्ट्री में हो। जैसे राशि प्रोडक्शन, मैं फ़ैन हूँ उस प्रोडक्शन हाउस का, जिन्होंने विवाह, हम साथ साथ हैं, इस टाइप की फिल्में उन्होंने दिया, तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा फैमिली ड्रामा ही बनाए हम लोग, कि सब बैठ के देख सके, पूरा परिवार, घर में कोई हो। तो ये लग्न पत्रिका जो आपने नाम सेलेक्ट किया, वैसे है तो बहुत प्यारा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लग्न पत्रिका क्या है? देखिए, लग्न पत्रिका हमारे यहाँ शादी के पहले जो एक तरह से शादी विवाह की कुंडली है, ये शादी से पहले की वर वधू की कुंडली है, कुंडली है ये लग्न पत्रिका। दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि नाम आते ही लग्न पत्रिका, तो ये हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द ये लग्न पत्रिका का कुछ ऐसा कुछ मामला है? हाँ हाँ हाँ, तभी तो फिल्म का टाइटल फिल्म से रिलेटेड होता है। जी जी। और आज से आप लग्न पत्रिका लिख रहे हैं, तो उसकी अगुवाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी, समझ लीजिए मैं अगुआ ही हूँ एक तरह से, फिल्म के अंदर भी अगुआ की भूमिका नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिल्म के कैमरे के पीछे ही बहुत अच्छा हूँ मैं। आनंद जी, इसके पहले आपने आपकी फिल्में कौन-कौन? शुभ विवाह SRK म्यूजिक से थी, बबली की बारात, मुख्तार, प्रेम रंग, गोरी है कलाइयाँ, अभी एक फिल्म और आ रही है। तो निर्देशन के क्षेत्र में आपने भोजपुरी को जो अपना योगदान दे रहे हैं, अभी क्या है आपकी भविष्य की क्या योजना? नहीं, भोजपुरी को मैं नहीं योगदान दे रहा हूँ, भोजपुरी ने मुझे अपना लिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भोजपुरी के साथ न्याय कर सकूँ, भोजपुरी सिनेमा के साथ। जी जी। अभी आज जो फिल्मों का टाइटल था, आपका फिल्मों का टाइटल काफ़ी अलग है, जो भी कैसे सोचते हैं कि कुछ यूनिक हो या भोजपुरी से टच? शायद इतना दिमाग है मेरे पास। एक बात आपने मुझे पूछा है आते ही कि इसकी कास्टिंग में कैसे आपको और मनीष जी को रखा गया जी, तो ये आनंद जी ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, एक कि मुझे, मैं जब स्टोरी फाइनल हो रही थी हम लोग की, तो ऐसे ही मैं बता दूँ, एक गाना देख रहा था, एक बी प्राक बहुत बड़े सिंगर, उनका एक गाना था, वो ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, तो मुझे अक्सर मैं देखता रहता हूँ गाने वगैरह, तो एक मुझे जो हीरोइन का करेक्टर दिखा, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में हीरोइन आई कि मेरी हीरोइन थोड़ा सा हट के हो, लीक से हट के हो, फिर मैं सोचा उसके सामने जो फेस हो वो बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारा हो, तो क्यूट तो इधर थोड़े फोकस कर दीजिए इनको। लेकिन आजकल वो दाढ़ी रख ले थोड़ा चॉकलेटी। नहीं नहीं, वो डायरेक्टर के लिए, हाँ डायरेक्टर की दाढ़ी, तो क्यूट फेस हो, तो क्यूट फेस में इनका हंसता हुआ चेहरा, फिर मैंने थोड़ा सा इमेजिन किया कि अच्छा अंबानी जी और ये दोनों कैसे लगेंगे, तो मुझे अभी भी पूरा सिनेमा दिख रहा है कि दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, पूरी फिल्म में, फिल्म बनी नहीं है अभी, अभी तो बननी है, लेकिन बड़ी अच्छी, आप लोग को नहीं लग रहा बड़ी अच्छी जोड़ी है? लाल लाल दोनों, किसी ने तो ये तक पूछ लिया, अच्छा हीरो का नाम लगन है क्या और हीरोइन का नाम पत्रिका? तो हमने कहा नहीं, बड़े आदमी ने पूछा था मुझसे, इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर जो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या तेरे हीरो का नाम लगन है और हीरोइन का नाम पत्रिका? हम कि नहीं नहीं, कुछ और है।
अनंत जी एक बात कहना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भोजपुरी फिल्म लगन पत्रिका की शूटिंग चल रही है और हमारे बीच में उपस्थित हैं फिल्म के निर्माता शैलेंद्र नागपाल जी, और आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। नागपाल जी, आपकी ये पहली फिल्म है या इसके पहले भी आपने फिल्म किया है? इससे पहले ये तो मेरी पहली फिल्म है इस बार, और पहले मैं एक और बैनर से मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी ये जो भोजपुरी का है तो ये पहला स्टार्ट है। आपने भोजपुरी पहली बार? हाँ, पहली बार कही। अच्छा, क्या सोच के सर आपने भोजपुरी? भोजपुरी का क्या है, मैंने काफ़ी क्या ना, मैंने देखा कि भोजपुरी के अंदर काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और एक कल्चर भी समझ में आता है कि हाँ भाई ये कल्चर की जो है ना एक फिल्म बननी चाहिए, या ये सोचो कि थोड़ा सा भोजपुरी मतलब बिहार में थोड़ा सा घूमना ज़्यादा हो गया, बिकते हो रहा काफ़ी टाइम से, तो ये सोच के मैंने प्लान किया कि चलो भाई एक मूवी बनानी चाहिए इसकी। सर प्रॉपर आप कहाँ से रहने वाले? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने भोजपुरी फिल्म बनाने की सोची। और आपने अब रही बात की फिल्म बनाने के पहले आप हीरो हीरोइन सेलेक्ट करने की बात आती है, तो आपने विमल जी को सेलेक्ट किया, तो विमल जी को क्या सोच के सेलेक्ट किया आपने अपनी फिल्म के लिए? विमल जी इनके अंदर का मेरे को ये देखा कि उनके अंदर मैंने इनकी यूट्यूब वगैरह में तो देखे थे इनके वो सब कि इनका क्या परफॉर्मेंस है या जो भी है, तो मेरे को ये लगा कि विमल जी के साथ मुझे एक बार ही आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या दिखा आपको विमल जी में? ऐसा बहुत सारे हीरो हैं भोजपुरी में जो काम कर रहे हैं और सबका नाम है अपना अलग अलग, लेकिन भोजपुरी के लिए विशेष रूप से अभी जो विमल जी उभरते सितारे हैं, तो इनके बारे में आपने क्या ख्याल बनाया होगा अपनी फिल्म के लिए? मेरे को ये लगा कि विमल जी की आज के दिन में मतलब एक जैसे आपने बोला कि उभरते सितारे तो है ही। जी जी। और एक वो होता है ना कि देख के कि हाँ किसी के अंदर लगता है कि हाँ हमें इनके साथ काम करना चाहिए और आगे जाके हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपको महसूस हुआ कि ये दिल की बात थी आपको? हाँ, आपको लगा कि इनमें स्पार्क है, इनके साथ काम करके अच्छा लगेगा? हाँ जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से आप लोग जुड़े हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इनको समझा। हाँ, पिछले तो, एक डेढ़ साल से तो हमारी बात होती थी, एक साल से तो हो ही रही है। जी जी जी। तो लेकिन इस बार ये मैंने बहुत जल्दी ये प्लान कर लिया कि चलो एक बार बनाते हैं फिल्म के साथ मिलिए। सर ये फिल्म आप बना रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं भोजपुरी सिनेमा को, चूँकि आप फर्स्ट टाइम टच कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या आया कि सिनेमा को या इससे जुड़ा हुआ जो भी लोग काम कर रहा है तो इसमें आप क्या देना चाहते हैं भोजपुरी सिनेमा को? मैं अपने बैनर के अंदर एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और जिसमें कि आप अगर आप किसी परिवार फैमिली में या परिवार में आप देख रहे हैं जी, तो अच्छा मैसेज आना चाहिए जी, और मतलब सबके साथ बैठ के देखना चाहिए, मेरा वो मोटिव है कि देख सके पिक्चर। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा सोच है। हमारे बीच में उपस्थित हैं फिल्म की नायिका मणि भट्टाचार्य जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक नाम है, और आप इस फिल्म में काम कर रही हैं, और चूंकि नागपाल जी के साथ फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आप काम कर रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं मिले, आज फर्स्ट टाइम नागपाल जी के साथ इंट्रो हुआ, फ़ोन पे ही बातें हुआ उनका, मतलब मूवी के सिलसिले में बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको मेरे तरफ से मतलब बेस्ट ऑफ लक, एकदम अब तो टीम बन गए हैं, बट मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उनका ड्रीम कम ट्रू, मतलब नेक्स्ट इन फ्यूचर हम लोग इतना हिट मूवी देखें, नागपाल जी एकदम पूरा 12 महीने में 12 मूवी एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री को दे। बहुत अच्छा, दोनों के जोड़ी से बिल्कुल। विमल जी, आपसे एक सवाल है कि आप नागपाल जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो कितना बेहतर देने की कोशिश है आपकी नागपाल जी के साथ? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया, और मुझे लगा ना कि देखिए इंडस्ट्री में मेकर बहुत कम है, तो मुझे लगा कि जब मेरी आनंद जी से बात हुई, मैंने कहा यार वो मेकर हैं, क्योंकि एक फिल्म बनाते समय एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, और वो जुनून और जज्बा एक मेकर के पास ही हो सकता है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाहते हैं, जो नए कलाकार हैं उनके लिए करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि ही इज़ गुड मेकर, तो मैंने उनसे कहा कि सर वो फिल्म करना चाहते हैं, और सर का हम लोग वेलकम किए, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ फिल्म कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक अच्छे मेकर हैं और इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। सर ने तो मुझे साइन कर लिया था पिछले लॉकडाउन में, मेरा कोई जान पहचान नहीं था, सर का फ़ोन आया कि विमल जी हम आपके साथ फिल्म कर रहे हैं, मेरे पास इनकी जो हम लोग की शाइनिंग अमाउंट होती वो भी आ गई थी, तो मैंने कहा कि नहीं दिस इज़ माई ड्यूटी कि
सर जब भी करें तो मैं पहले प्राथमिकता पर मैं आपके साथ आऊँ। शायद जितने लोग हम लोग साइन थे उसमें केवल मैं ही हाजिर हो पाया, और एक कारण है कि आज मैं फिल्म का हीरो हूँ और सर ने मुझे कास्ट किया। मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी बेल्ट से हैं और सर तो जी जी लेकिन देखिए चूंकि हम आपकी बात को रोक रहे हैं, देखिए हम इस फिल्म में भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं, सर हरियाणा से हैं, आप बंगाल से हैं, तो सर भी हरियाणा से ही हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए जब कोई निर्माता कोई मेकर यदि अपनी इंडस्ट्री में आ रहा है ना तो उसे एक भरोसा दिलाना चाहिए। ये हम सारे हीरोज़ का काम है। मैं सारे भाइयों से निवेदन करूँगा कि यदि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई हमारे लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, हमारे लिए फिल्म बना रहा है, तो उनको पहले आप दिलासा दिलाइए, उनको पूरा कॉन्फिडेंस में भरोसा दिलाइए कि हम इस बजट में ये फिल्म जो आजकल ट्रैक पर चल रही है, शुद्ध पारिवारिक फिल्में चल रही हैं, वो बनाएंगे सर, आप रिकवर में रहेंगे, आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। और ऐसे लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहिए जी, क्योंकि ये यदि हमारे साथ एक बार फिल्म बनाते हैं, इनको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अगली फिल्म भी बनाएंगे। तो हम ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। सर हो गए, मेरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं इनके साथ मैंने फिल्में की है, आदमी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैं हमेशा रिपीट होता रहा हूँ। जो भी प्रोड्यूसर मेरे साथ काम किए हैं, पिछले फिल्म मैंने किया था हीरा बाबू, वो सर रेडी है मेरे साथ करने के लिए। चीटिंग नहीं होने दिया? अब मतलब मैं तो नहीं होने देता हूँ, जी मेरे हाथ में है। तो अपने लोग से भी बोलता हूँ कि जैसे मेरे पास कुछ टेक्नीशियन हैं, बोलते हैं मुझे विमल जी मुझे काम दीजिए, तो पहला मेरा ये होता है कि यार ईमानदारी से काम करना, और जो पुरानी सिस्टम उसको छोड़ कर नए सिस्टम में नए लोगों को अपडेट करो। तो ऐसे लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहिए, और ये खड़े रहेंगे तो ही हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। क्या है कि भोजपुरी सिनेमा के क्षेत्र में चूँकि बहुत सारे निर्माता आना चाहते हैं, नए नए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो ठगी हो रही है, उनके साथ जो चीटिंग हो रहा है, इसको लेके बहुत मामला एक तरह से बड़ा कुल अजीबोगरीब हो गया है, एक तरह से बदनामी हो गई एक तरह से कह लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो ऐसे में आपके पास ये नए निर्माता चल के आए हैं, तो आपने क्या सोचा, क्या दायित्व? देखिए पहले हम देखिए हम एक इंडस्ट्री में आने से पहले हम एक बिजनेसमैन भी, हम कुछ काम भी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मेरा मानना है कि जब आपके पैसे अपने इन्वेस्ट होते हैं किसी सेक्टर में, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तब आपको दर्द महसूस होता है कि हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर को पहले श्योर करें कि आप श्योर हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे साथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने मुझे जो अच्छा लगा, और शायद सर ने इसीलिए मुझे कास्ट भी किया होगा, एक मैं तो टाइम पे खड़ा रहा सर के साथ, और इन्होंने जब भी मुझे फ़ोन किया कि विमल जी हम अगली फिल्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं रेडी हूँ, आपका टोकन अमाउंट मुझे आया हुआ है। और दूसरा मैंने पूरी कोशिश मेरी होती है कि ऐसे लोग एक बजट में काम करें और ऐसे लोग जुड़ें जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ एंड सुथरा हों, ताकि ये रिकवर रहेंगे, पैसे की रिकवरी इनसे यदि होगी ये कमाएंगे तो ही हम हो पाएंगे, नहीं तनख्वाह नहीं हो पाएंगे। तो हमारी विशेष पहल होती है कि जो भी मेरे साथ जुड़े वो कहीं से किसी जो आपने बोला उस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका शिकार ना हो पावे। जी बिल्कुल, ठगी का शिकार ना हो और सेफ रहे निर्माता, क्योंकि निर्माता जब सेफ रहेंगे तो बहुत नहीं, सारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी इसके सब्सक्राइबर हमारे लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं जान रहे हैं बताना चाहूँगा कि देखिए आप एक अच्छे मेकर के रूप में आएंगे ना, बहुत सारे इन्वेस्टर आपके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में आप सर से पूछ सकते हैं, जब आपकी नीयत मिस्टर रंजीत कुमार जी है ना, रंजीत जी वो इन्होंने विमल जी ने उनको बताया प्रोजेक्ट के बारे में और एग्री हुए, और उन्होंने रंजीत जी ने इसमें सपोर्ट भी किया और इन्वेस्ट भी किया। सर रंजीत जी आपके अलावा रंजीत जी भी इसमें पार्टनर है इस फिल्म में? हाँ जी। अच्छा, यानी रंजीत जी और नागपाल जी दो लोग। मैं वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब आपके पास कोई मेकर आता है ना, और यदि आप प्लानिंग अच्छे तरीके से शेयर करते हैं कि नहीं यार हमको ऐसे करना है, और आप किसी बाहरी जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से और भोजपुरी के बाहर के बैकग्राउंड से हैं, यदि आप उनको प्रोजेक्ट समझाते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर हैं, लेकिन हमारे वहाँ सिस्टम थोड़ा शॉर्टकट का है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम तो उन हिंदी इन्वेस्टरों के साथ काम कर रहे हैं, हिंदी निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं जो हिंदी मराठी तेलुगू किए हुए, उनके साथ मैं फिल्में कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में आपको खुद देखने को मिलेगा। तो ऐसे रिस्पेक्टेड और निर्माता को प्रोड्यूसर को हमेशा सम्मान करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि भोजपुरी की गरिमा बने रहे। डेफिनेटली डेफिनेटली, और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं, भोजपुरी फिल्म का विकास हो। एक देखिए आप हरियाणा से हैं, आप हमारी बंगाल से हैं, तो एक अच्छा मैसेज ड्रॉप होना चाहिए कि आप मेरे शहर में आई हैं, मेरे घर आए हैं, तो आपको एक अच्छा मैसेज ड्रॉप होना चाहिए, नहीं यार ही इज़ अ गुड पर्सन, या फिर भोजपुरी अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो एक मैसेज जो ड्रॉप होता है ना वो बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जिससे भी मिलूं और एक अच्छा मैसेज ड्रॉप करूं, हमारी कोशिश यही रही है, और आगे भी हमारी प्लानिंग यही है कि जो भी हमारे साथ आने वाले प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं डेफिनेटली एक दायरे में रहें और उनको मैं कहीं से नुकसान नहीं हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।